प्रेजेंस हियर बहुत शॉर्ट नोटिस में, मैं भी अभी बाहर से ही खुद आ रहा हूँ। दो तीन चीजों का आपके सामने खुलासा करना बहुत जरूरी समझा है, क्योंकि कल इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले कि जो ये 5 एमएलए को नॉमिनेट किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से, मैं उनको इतना बोल दूं कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं इससे आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए, यानी कि आप बीजेपी को पहले ही 5 मेंबर्स दे रहे हैं और बाकी जितने भी दाएं बाएं पड़े हुए हैं जो इधर उधर भागना चाह रहे हैं उनके लिए आप राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम यहां से डायरेक्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब चंद्रचूड़ को कश्मीर से बताना चाह रहे हैं कि जब आपने फैसला दिया 5 अगस्त की पिटीशन का, आपने उसमें ये 2 बातें कही कि एक तो इलेक्शन होगा, उस पर आपने टाइम फ्रेम दे दिया और टाइम फ्रेम के तहत इलेक्शन कराया गया है, और जहां तक स्टेटहुड का ताल्लुक है आपने अपने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि कब होगा, उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे, बहुत जल्द करेंगे और बहुत जल्द होगा। उनके कहने पर आपने ये स्टेटहुड का अभी इस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की है। सो जो भी कार्रवाई लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आर्बिट्री कर रहे हैं, ये कार्रवाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर के लोग इसको, इस कार्रवाई को जिम्मेवार ठहराएंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि ये कार्रवाई आपके होते हुए हो रही है, आपके जो आपने पेटिशंस पे आपने जो आपने डायरेक्शंस दी थी, एक डायरेक्शन को उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, और 5 एमएलए को आज पहली बार इस तरह से पूरे मुल्क में अंडर UT बिफोर द रिजल्ट इज अनाउंस्ड आप उनको मुसल्लत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर आपकी इस नई असेंबली के लिए। सो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्रॉपर्टी है, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बाजब्ता तौर पर सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए इस बारे में। ये बहुत ही अहम चीज है जो मैंने बोला है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि बीजेपी के हमारे साथी जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के उनके ऑफिस के थ्रू कर रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि आप आज तो एक यूटी में कर रहे हैं इसको, आपके पास किस तरह के पावर हैं। हालांकि अंडर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 इज स्टिल अंडर चैलेंज, उस पर अभी मेरी क्यूरेटिव पिटीशन आने वाली है, किसी भी टाइम वो हिट करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सो ये मामला एक किस्म से सब जुड़िस है। आप ये जो कार्रवाई आज कर रहे हैं, क्या आप ये लोग जानते हैं कि कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जिनसे मैंने खुद दिल्ली में बात की है अभी, उनका मानना ये भी है कि ये जो 5 एमएलए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप नॉमिनेट कर रहे हैं अंडर अ यूनियन टेरिटरी, उस कानून कवानीन के तहत कल को आपको स्टेटहुड देना पड़ेगा यहां, जैसे मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि आप इसमें स्टेप इन कीजिए और स्टेटहुड दिलवाइए। जो ही आपने स्टेटहुड दिया, इन 5 एमएलए का क्या होगा? दे कैन लूज देयर एमएलएशिप, इनका वैलिडिटी नहीं बनती है, बिकॉज दे हैव बीन गॉट अंडर द यूटी लॉज, यूटी के पावर के तहत एलजी ने दिया है। जो ही आपका स्टेटहुड बन गया, एलजी सीजेस टू एग्जिस्ट, हिज पावर सीज टू एग्जिस्ट, जो उनने नॉमिनेट ये किए हैं दे कैन ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट, ये एक व्यू ये भी बनता है। सो आप जान जाइए कि आज जो आप कर रहे हैं आप सिर्फ एमएलए की खरीद फरोख्त के लिए ये कर रहे हैं, आप उनको दिखा रहे हैं आज कि हमारे पास 5 ऑलरेडी मेरे पास है, और मैंने ये भी सुना है कि उन 5 को जिस तरह से हमारी ये वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है उनको एक डिपार्टमेंट दिया गया है, इन 5 एमएलए को कोई ना कोई डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया जाएगा गवर्न करने के लिए। तो क्या ये कौन सा इलेक्शन है, क्या आप कल
किस लिए हम सब दौड़ रहे हैं कल अपने इधर काउंटिंग हॉल्स में, फॉर व्हाट? ये तो लगता है बना बनाया मैटर सारा हो रहा है। इसलिए इस चीज पर जम्मू कश्मीर की जो सियासी हमारी जमाते हैं, मैं बार बार आप उनसे कह रहा हूं, आज आप फिर दोबारा कह रहे हैं कि हाँ जी चलिए जी, मुझे जी फलाने ने कहा कि मैं जी आपको सपोर्ट दूंगा, बहुत बहुत मुबारक है हम सबको। अरे भाई, सपोर्ट इज नॉट ओनली फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, सपोर्ट हैज टू बी फॉर ऑल दीज थिंग्स। एक ही आवाज में बोलिए कि नहीं भाई, विदाउट स्टेटहुड वी आर नॉट गोइंग टू मूव अहेड। जब तक आप 27,000 कैदियों को नहीं छोड़ेंगे, हम आगे नहीं बढ़ रहे। ये बातें करनी है, नहीं तो आप कल तक एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और सुबह बोलते हैं जी सब सब कुछ ठीक ठाक है, सब चंगा है जी, चलो जी सरकार बनाएंगे। इन चीजों पर बात करनी है सबको। और अगर आप कह रहे हैं कि हाँ हम आज सब इकट्ठे सोचेंगे स्टेटहुड के बारे में, वाई ओनली स्टेटहुड? जिन पार्टीज ने कहा कि हम स्टेटहुड के बारे में इकट्ठे हो जा रहे हैं, मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, वाई ओनली स्टेटहुड? वाई नॉट 370 and 35A? अभी तो वो केस मरा नहीं है और वो कभी नहीं मरेगा। जब तक हम जैसे लोग जिंदा हैं, 370 और 35A नहीं मर सकता। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब 5 क्या 15 एमएलए लाए, जिस दिन स्टेटहुड हो गया इन एमएलए का कोई वैल्यू नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है, किसको वो नॉमिनेट करें एज एमएलए। और हमारे यहां तो एमएलसी है ही नहीं, दूसरा वाला हाउस तो है ही नहीं हमारे पास, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा हाउस है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, क्योंकि आपने 5 अगस्त 2019 को छुरा घोंप दिया कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन चीजों पर ध्यान रखना है हमको सर, कि ये जो काम आप करने जा रहे हैं, उन एमएलए का क्या वैल्यू है कल जब स्टेटहुड यहां पे होगा। और इतना भी हमारे लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है, जिनसे मैं भी बात करके अभी आ रहा हूं, कि शायद, गौर से सुने, कि शायद हमको जो ही यहां स्टेटहुड डिक्लेयर किया जाएगा, इट माइट कॉल फॉर एन इमीडिएट इलेक्शन वंस मोर, अ न्यू इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड। क्योंकि आप इस इलेक्शन के तहत 5 लोगों को ला रहे हैं, गवर्नमेंट बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ल्योर करें बाकियों को। इट कैन इवन गो फॉर अ फ्रेश इलेक्शन। सो इन चीजों पर ध्यान देना है इन सियासी जमातों को हमारी, जो भी आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर स्टेटहुड शुड बी यूनाइट, जिस तरह हमने पीएचडी में कहा था, आप सबको याद है, आपको तरले किए हमने, आपके पीछे पैर पकड़े हमने आपके, कि सर मत बिखरिए, मत बिखरिए, मत बिखरिए। आप बिखर गए, आज फिर बोल रहे हैं हाँ जी आप चलिए, आप करेंगे, मैं सपोर्ट दूंगा, बड़ी मुबारक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो आ रहे हैं, हमारा जी दिल शांत हो गया, बाग बाग हो गया। ए, क्या है भाई, फिर गाली गलौज एक दूसरे को। इकट्ठे करना है तो इकट्ठे करना है 370 पर पहले, फिर स्टेटहुड, फिर आपकी असेंबली, फिर आपकी गवर्नमेंट, ये मामले। सो ये बहुत ही एक जबरदस्त मामला इस वक्त पूरे मुल्क में बन रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज टू टेक अ सुओ मोटो नोटिस। ऑनरेबल चंद्रचूड़ साहब, आपकी वजह से अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है, क्योंकि आपने थोड़ा लीनियंसी दे दी उस दिन। काइंडली कॉल द सॉलिसिटर जनरल एंड आस्क हिम वेयर इज द स्टेटहुड। आपने तो कहा था बहुत जल्द होगा, आपकी खामोशी से 5 मेंबर असेंबली यहां पे बन रहे हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कौन है ये, किधर से आते हैं, किसको ला रहे हैं, ये खरीद फरोख्त का चक्कर है। और खरीद फरोख्त के चक्कर में मैं आज ये इंकिशाफ करना चाह रहा हूं कि 1.5 साल पहले बीजेपी की तरफ से पीएचडी को तोड़ने के लिए आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास एक टीम आई थी, 2 करोड़ रुपया पर असेंबली सीट के लिए मुझे बताया गया था कि हम देने को तैयार हैं, और मुझे 5 से 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को लेना था, 5 से 6 पीडीपी के लोगों को लेना था,
दो से तीन अपनी पार्टी के कुछ लोगों को लेना था, तीन या चार वो अपने कुछ लोग करते और बाकी एएनसी के लोग होते। मैंने वो एक डेढ़ साल पहले पीएजीडी तोड़ने के लिए मैंने वो मुस्तरद कर दिया था, जिस तरह मेरे वालिद ने हमेशा ये पावर ब्रोकेज मुस्तरद किए। और अभी 6 दिन पहले हमारे ही कुछ साथियों ने, जिनको मैं जानता हूं अच्छी तरह से, उन्होंने दोबारा अप्रोच किया मुझसे कि पीएजी आपने बीजेपी के जो यहां इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आए हैं काम करने के लिए, उनके साथ आप मिलने की कोशिश करें, हम एक डायलॉग आपके साथ कराना चाहते हैं। तो मैंने उनको इतना ही कहा था कि भाईजान हम सेल पर नहीं है, वी आर नॉट ऑन सेल, हम बिकाऊ माल नहीं है। तो उनका एक ही काम अब रह गया कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई चीज करके, चाहे मेरे वो अपने हैं या मेरे पराए हैं, कि मुजफ्फर शाह को किसी तरीके से रोक लो, वो किसी तरीके से असेंबली में ना जाए। मगर अल्लाह मालिक है, देखते हैं कल क्या फैसला होगा, अब हमने क्या किया होगा वो कल देखा जाएगा। तो ये दो चीजें थी बहुत ही अहम, जिनकी मैं आपकी तरफ पब्लिक में ये जानी चाहिए। उसके साथ साथ एक बात बहुत जरूरी है साहब, कि अपना जो अभी हम लोग गवर्नमेंट बनाने की बातें चल रही हैं, उसमें तमाम जितने भी लोग हैं, मैं उनसे इतनी ही गुजारिश करूंगा कि सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, आप अगर वाकई में एक आवाज लेके सामने आना चाह रहे हैं तो वो आवाज 370 पर उठाइए, एक ही दफा स्टेटहुड पर उठाइए, और उसके बाद जो इमीडिएटली हमारा काम है, जो 27,000 हमारे बेगुनाह नौजवान बच्चे बुजुर्ग बड़े छोटे जो जुलूम है, उनको बाहर लाने का कहिए, कहिए हम ओथ नहीं लेंगे तब तक जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये काम है करना। दिस इज वॉट वी शुड गो फॉर। एंड आई अगेन लास्टली request the honorable chief justice of india to immediately intervene and stop this process of this 5 mlas being nominated, because it is absolutely unconstitutional, it's arbitrary, it's illegal what you are doing, because they will lose this mla ship once the state is formed, and there could be a possibility of a fresh election in jammu and kashmir. Thank you very much. If there is any question you can please ask. सब जानने वाले लोग हैं, चाहे हसन साहब हैं, मीर साहब हैं, चाहे इंजीनियर रशीद साहब हैं, मगर एक चीज उनको ये भी देखना होगा कि हमको किसी सूरत में ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्सटेंड करे यहाँ पे अपना क्या इसको बोलते हैं प्रेजिडेंशियल रूल। मगर साथ ही साथ मीर साहब मेरे, अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, अपने इंजीनियर रशीद साहब, हमारा एक दूसरे से अच्छा लिहाज है, अच्छा ताल्लुक है भाई, ऐसी चीजें जो होती है ना, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोली जाती, यू हैव टू मीन इट। मीन इट क्या होता है? बुलाओ कल एक इजलास, बुलाओ सबको उसमें, बोलो चलिए बैठते हैं, बात करते हैं हम लोग, स्टेटहुड पे बात करेंगे, ओथ कैसे लिया जाएगा बात करेंगे, बाकी चीजें जैसे हम पीएचडी में करते थे। अनफॉर्चुनेटली पीएचडी टूट गई, पीएचडी तो इसी काम के लिए थी। अब पीएचडी के प्लेयर्स इलेक्शंस में एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं और आज बोलते हैं चलिए आइए इकट्ठे गली गली मिलते हैं, सब भूल गए, चलो चुमी लेते हैं एक दूसरे के, खत्म करो, क्या है भाई? सो दे शुड मीन बिजनेस। व्हाट आई मीन इज इंजीनियर रशीद शुड मीन बिजनेस, अपने मीर साहब शुड मीन बिजनेस। व्हाट इज द हार्म इन कॉलिंग एवरीबडी, कॉलिंग ऑल ऑफ अस, लेट अस सिट डाउन एंड टॉक आउट आवर फ्यूचर स्ट्रेटजी। 370 and 35A का केस जो है वो मरा नहीं है। Purity petition, Awami National Conference is going to hit the Supreme Court of India any time now. Whether victory to Awami National Conference or not, हमको तो दो हफ्ते दिए हैं Election Commission ने, 6 दिन पहले तो हमको symbol दिया गया, does not matter. We will go ahead, we'll fight till this restoration is done, and ANC will be a major power to reckon with. So, inshallah, मैं फिर एक बार honorables चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जनाब चंद्रचूड़ से दोबारा कश्मीर से बोल रहा हूं,
कि आपकी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की लैक्सिटी की वजह से बीजेपी आज उस मामले को सामने लेके आई है विच इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और वो 5 MLA ला रहे हैं रिजल्ट के दिन में कह रहे हैं जी वो इनका अनाउंसमेंट करेंगे, और ये हॉर्स ट्रेडिंग से कम इसको नहीं देखा जाना चाहिए, दिस इज प्योर हॉर्स ट्रेडिंग टू ल्योर एंड टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट फॉर्मेशन। होप द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल टेक सुओमोटो नोटिस एंड स्टॉप दिस मैटर। थैंक यू वेरी मच।